मैं वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय गुरु आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ एक संस्थान है, उसका नाम है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। मैं विगत तो 11 वर्षों से गुरु के रूप में वहाँ सेवारत हूँ, जिसमें आयुष मंत्रालय भारत सरकार एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करती है, जिसमें 2 BAMS स्नातक छात्र आयुर्वेद के विशेष अध्ययन के लिए हमारे चिकित्सालय में आते हैं और उनके अपने अनुभूत योग है और आयुर्वेद का विशेष अध्ययन है, शास्त्र ज्ञान है, चिकित्सा है, ये उनको हम एक वर्ष तक सफलतापूर्वक कराते हैं। तब तक पश्चात आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ उनके सर्टिफिकेट प्रदान करती है। सर, आप आयुर्वेद क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको आयुर्वेद अपना एजुकेशन खत्म होने के बाद, जैसे आप मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं, आप उनको करियर गाइडेंस कैसे देंगे? देखिए, 70 वर्ष के इतिहास में यदि सर्वाधिक कार्य हुआ है तो इस मोदी के शासनकाल में हुआ है। वर्तमान में केंद्रीय आयुर्वेद चिकित्सा परिषद के अधीनस्थ लगभग 300 आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित हैं, जिसमें नीट की परीक्षा के माध्यम से आयुर्वेद स्नातकों के लिए चयन किया जाता है। ये नीट की परीक्षा इंटरमीडिएट बायोलॉजी साइंस संस्कृत के साथ होती है और जो सर्वाधिक अंक प्राप्त स्नातक होते हैं, जिनके 90% से ऊपर, 95%, 96, 97, 98, 99, तो उनको गवर्नमेंट के अच्छे आयुर्वेदिक कॉलेज मिलते हैं जिनमें बहुत ही नॉर्मल फीस होती है। और तत्पश्चात जो दूसरे कॉलेज है वहाँ उन कॉलेजों में लड़कों को, छात्रों को भेज दिया जाता है। इस तरह पूरे भारतवर्ष में लगभग 300 आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित हैं, 5 आयुर्वेद विश्वविद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा अनुसंधान के क्षेत्र में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CCRAS, केंद्रीय होम्योपैथिक संस्थान और यूनानी, ये बहुत सी संस्थाएं हैं जो भारत सरकार के अधीनस्थ संचालित हैं, जिसमें MBA कोर्स, PhD और DLM जैसे कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। तो आयुर्वेद के माध्यम से छात्रों का भविष्य उज्ज्वल है। विश्व के क्षितिज में यदि सर्वाधिक पहचान है तो आयुर्वेद की है और आयुर्वेद के माध्यम से हमारा भारत जो है विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होने जा रहा है। सर, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने प्रैक्टिस के कुछ अनुभव बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स आपको कैसे मदद आए वो भी बता दीजिए। देखिए, अभी कोरोना काल में आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए लोगों को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गई थी, जिसमें आयुर्वेद के स्नातकों ने ही उत्तम आहार विहार द्वारा, अपने किचन के जो मसाले हैं इनके द्वारा, आहार विहार द्वारा लोगों को स्वस्थ रखने की एक बहुत बड़ी परिकल्पना की थी, जिसमें आयुष मंत्रालय ने एक फ्री टेलीफोन सेवा भी निकाली थी, जिसमें लगभग 500 चिकित्सक जुड़े हुए थे जो कोरोना पीड़ित लोगों को आहार विहार से बचने, आहार विहार कैसा लेना चाहिए, पथ्यापथ्य कैसा करना चाहिए उसको बताते थे। और जहाँ तक प्रश्न है आपके शांडू आयुर्वेदिक का, तो शांडू आयुर्वेदिक बहुत ही उत्कृष्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की औषधियों का निर्माण करती है और हमने इनके काढ़ों का, इनके आसरों का प्रयोग किया है। आसो बहुत ही अच्छे हैं, जिसे हम नियमित रूप से 10 वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। इनका जो है अत्याधिक क्वाथ है, महासुदर्शन काढ़ा है, अश्वगंधा रिष्ट है, द्राक्षासो है, बलारिष्ट है, बहुत अच्छी आसो है, बहुत ही गुणकारी है। परंतु वर्तमान में ये हम देख रहे हैं कि जो आपके आसो हैं वो कांच की शीशियों में आते हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, टूट फूट की दिक्कत होती है। और हमने तो आपके यहाँ से 100-100 पेटी आसो मंगाए, जिसमें 4-4 पेटी हमारे टूट जाते थे, जिससे बड़ी दिक्कत होती थी। तो आसों का निर्माण शांडू उच्च स्तर पर कर रही है और मेरी बहुत बहुत बधाई और उनको साधुवाद देता हूँ और उत्कृष्ट औषधि निर्माण करें। साथ ही कुछ इस तरह रखे उसके मूल्य कि जिसे जन जीवन उसे खरीद सके। से यस टू आयुर्वेदा।